हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है संडे का दिन, संडे स्पेशल। सो सुबह सुबह मैंने जो भी काम किए वो आप सभी ने देख ही लिए होंगे। मैंने मठरी वगैरह बनाई थी, थोड़ी बहुत कभी कभार रखी रहती है, वानू खा लेती है। और अब बाकी सारी चीज़ें करके ना यहाँ मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी, जो सूखे मसालों से हम भर के बनाते हैं ना, उस तरह की बना रही हूँ। प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी आज। सो यहाँ पर ना मैंने वही खड़े मसाले सारे थोड़े से भून लिए हैं और उसके बाद मिक्सी में इनका बना लूँगी मैं पाउडर अच्छे से। और ना कुछ मसाले ऑलरेडी पाउडर वाले थे तो वो ले लिए, जैसे कि अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक वगैरह। और एक हरी मिर्च बस कट करके डाल दिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, इनकी बाइंडिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से तो ये भर जाएंगे। ऑयल होगा तो, वरना सूखा सूखा रहेगा मसाला तो गिर जाता है ना फिर। तो बस अब मैं आप बैगनों में अच्छे तरीके से यहाँ ये मसाला ना चिपका चिपका के भर दूँगी। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करने जा रही हूँ, मतलब सुना तो बहुत है इस तरह के बैगन बनते हैं। सो बस ये भर गया है। और यहाँ ना मैंने कढ़ाई ले ली है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, उसमें डाली है खड़ी मिर्च लाल। और ना मैंने कढ़ाई भी ना लोहे की ली है। जो भी भरवा सब्ज़ियाँ हम बनाते हैं ना, अगर इस तरह की लोहे की कढ़ाई में बनाए तो कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनती हैं सब्ज़ियाँ। सो बस आज मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना थोड़ा बहुत और भी एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि संडे है, जितने काम निपट जाएँ निपट जाएँ। बाकी वैसे मेरे लिए तो सब सारे दिन, मतलब संडे ही है, घर पर ही रहना होता है। बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं संडे वगैरह में ना, हस्बैंड घर पर रहते हैं तो वानू के साथ में थोड़ा इंगेजमेंट हो जाता है, तो मैं बाकी चीज़ें कर लेती हूँ। सो बस आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ मैं यहाँ, और तब तक बैगन हमारे बन ही रहे हैं और साथ ही साथ और भी चीज़ें बनाते जाएंगे। और सो यहाँ पर बैगन बन करके तैयार हो गए हैं। बीच में कई बारी मैंने इन्हें चला दिया था और अब फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहे हैं। धनिया ऐड कर दूँगी इसमें मैं और बंद कर दूँगी। एकदम क्रिस्पी बने हैं। और ना लोहे की कढ़ाई में बनाने का फ़ायदा ये है कि कलर भी अच्छा ब्लैक ब्लैक आया है और आयरन भी भरपूर मिलता है। सो बस लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास है तो ज़रूर बनाएं, उसमें सूखी सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी बनती हैं, टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं और आयरन भी मिलता है। सो बस ये सारी चीज़ें बनके के रेडी हो गई हैं। अब मैं यहाँ रायता और बना लेती हूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ थोड़ा बहुत कुछ वैसा भी चाहिए ना। सो फ्रेंड्स, मैं भी खाना वगैरह बना करके रूम में आ गई हूँ और देखिए मुझे पिंपल हो गया है एक यहाँ पर। और वानू भी हमारी नहा करके आ गई है। हेलो, मैंने नहा लिया। आप कैसे हो? ओके बाय। सोच रही थी कुछ अच्छा सा देख लूँ टीवी में, बट एक भी मूवी ढंग की नहीं आ रही है। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको मिरर में पीछे टीवी, तो ना एक भी अच्छी मूवी नहीं आ रही है। मैंने बस वही सब आती रहती। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वानू कितने प्यार से बुला रही है, तो आप सब आ जाइए, फिंगर चिप्स खा लीजिए उसके साथ। आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं। हाँ ऐसे बोल दो, कमेंट में बता देना कैसे लगे फिंगर चिप्स, कैसे लगी वान्या। हमारी 6 महीने की बच्ची बन गई है, इतनी छोटी हो गई है, देखो ये बड़ी हो गई हो, अब छोटी नहीं हो। नहीं, दो तो मैंने ब्लाउजेस निकाले हैं, अस्तर वगैरह भी है उनका, तो मुझे ना ये कट करना है। कट हो जाएंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो बन नहीं पाएंगे। 2 साड़ियों के ब्लाउजेस है ये, और एक मेरा ये सूट है, आपको पता हो तो मैंने शेयर किया था। दीदी के घर गई थी जब मैं बड़ी वाली, उन्होंने दिलाया था, तो ये ना एल साइज का है और मुझे तो आजकल एम भी ठीक से नहीं आता, स्मॉल आता है, तो मुझे ना इसको फिट करना है घर पर। मैंने निशान वगैरह तो सब लगा दिया है उल्टा करके, बस मुझे मशीन चलानी है उसके ऊपर और ब्लाउजेस को करना है कट, तो करूँगी। बट पहले खाना लेने जा रही हूँ अपने लिए, खाना लेके आती हूँ, खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद मैं ये ब्लाउजेज़ लेकर के बैठ गई हूँ। तो मैंने ना पहले ही कट कर लिए थे थोड़े से, तब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वान्या सो रही थी तो मैं एकदम शांति से अपना काम करना चाहती थी, वरना फिर वो डिस्टर्ब करती है और वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाती है ना इस वजह से। सो ना मैंने जितना जो अस्तर वाला कपड़ा था वो पहले ही कट कर लिया था, अब उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखती जा रही हूँ और कट करती जा रही हूँ गले वगैरह की डिज़ाइन। तो ये एक साड़ी थी जिसका आगे से ना एकदम वीनेक बना रही हूँ, डीप वाला। मैंने आज तक आगे से डीप वाला वीनेक पहना नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है, सो मैं इस बार बना रही हूँ। और ना ये दोनों ही ब्लाउजेज़ में आगे से ही मैं हुक लगाऊंगी, पीछे की तरफ से नहीं लगाऊंगी हुक, क्योंकि ना काफ़ी सारे ब्लाउजेज़ हो गए हैं जिनमें पीछे से हुक वाले हो गए हैं मेरे, फिर कहीं जाने के लिए ना दिक्कत आती है खुद से पहनने में थोड़ा बहुत। सो इसीलिए इन दोनों ही ब्लाउजेस को ना आगे से हुक वाला बनाऊंगी। सो ये हो गया। अब पीछे से इसका कुछ मैंने डिज़ाइन इस तरह से कट किया है, देख लीजिए आप लोग।
और बस कट हो गया है ये मेन फैब्रिक भी, अस्तर पहले ही कट हो गया था। दोनों को साथ में मिला करके रख देती हूँ ताकि बाद में जब मैंने सिलूंगी तो ढूंढना ना पड़े यहाँ वहाँ। सो ये ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा ब्लाउज़ मेरा ये था जिसका बैक डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका फ्रंट मैंने गोल बनाया है और बटन भी लग जाएंगे उसमें आगे से ही, मतलब हुक लग जाएंगे। सो बस इस तरह से ना ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको ऐसे बंच बना के रख देती हूँ वरना इनकी कटिंग यहाँ वहाँ फैला देती है वानू, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो इसीलिए इसको रख देती हूँ और अब बस अपना ये सूट उठा रही हूँ। सोच रही हूँ रक्षाबंधन पर इसको पहन लूँगी। ये सूट आप लोगों ने देखा है पहले, मुझे दीदी ने दिया था जब मैं दीदी के घर गई थी। काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है, अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड है। बट अभी इसमें फिटिंग नहीं थी, ग्वालियर के लोकल मार्केट से ख़रीदा था हमने। और देखिए यहाँ वानू भी उठ गई है। सो मैं ना इसको फ़िट कर लेती हूँ। मैंने इसमें ना सारी जो भी मतलब निशान वगैरह ना सब पहले से ही लगा दिए थे। तो कुर्ते को अब मैं इसमें सिलाई डाल लेती हूँ और फिर उसके बाद पहन करके लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कैसा क्या फ़िट आया कि नहीं आया। मुझे एल साइज़ है ना, तो मुझे साइड से कट भी करना पड़ेगा फ़िट करने के बाद, तभी वो सही फिटिंग आएगी। और ये देखिए छत पर ना एकदम से मैंने कहा ये शोर किस चीज़ का हो रहा है, तो मैं आई तो मैंने थोड़ा सा ये भी रिकॉर्ड कर लिया। ये ना हमारे यहाँ पर जो पार्षद जी हैं ना, वो जीत गए हैं। अभी पार्षद के इलेक्शन हुए थे हमारे हमारे शहर में, तो जो हमारा वार्ड है वहाँ पर जो जीत गए हैं। तो ये देखिए किस तरह से वो डीजे वीजे चलवा करके निकाल रहे हैं अपना जुलूस या जो भी है, मतलब खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया इसी चीज़ का कि दिखाऊंगी आप सभी लोगों को। वानू और मैं हम दोनों ही यहाँ खड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और बस ये सूट मैंने पहन लिया है यहाँ पर, मतलब फ़िटिंग वगैरह डालने के बाद में। और इसका जो नीचे का पैंट है ना, उस पर मैंने फ़िटिंग नहीं डाली है, क्योंकि ना पैंट वगैरह में फिट हम कर लेते हैं ना तो फिर थाइज़ वगैरह में टाइट हो जाता है, तो बैठने में ना फिर फट जाते हैं जल्दी। इसलिए पैंट तो ऐसे ही ठीक है, हल्का सा लूज़। बाकी कुर्ते पर मैंने फ़िट कर लिया है। फ़िटिंग करने के बाद ना अंदर की तरफ से मैंने बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा कट भी कर दिया था, तभी उसकी परफेक्ट फ़िटिंग आई है। सो बस आज मेरे संडे का ना संडे स्पेशल हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यही छोटा मोटा सा ब्लॉग था जो शेयर कर दिया। बाय बाय।